मैं ट्रिब्यूट पेश करूंगा फार्मा फिजिशियंस को कि जितने फिजिकली कोविड के पेशेंट फार्मा फिजिशियन ने देखे हैं उतने शायद ही किसी ने देखे हो। रीजन बीइंग कि हमारे जो ट्रस्टी के हॉस्पिटल के ओपीडी बंद हो गए, लोगों ने ऑनलाइन देखे होंगे, लेकिन फिजिकली जितने फार्मा फिजिशियन ने पेशेंट देखे हैं। और जब कोविड आया नया, आपको याद है आइवरमाइट दे दें जी, SCQ दे दें, जिस चीज़ का नाम किया जाता था वो मार्केट से गायब हो जाती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, दस स्पॉटमैन को ट्रिब्यूट पेश करूँगा कि विटामिन डी जो है वो मौजूद रहा मार्केट में, और इसके बाकी सारी चीज़ें आई और चली गई। अमेरिका ने SCQ पूरी इंडिया से मंगवा के वहाँ पर ढेर कर दिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं था। अगर रिजल्ट कोई हमने देखा है तो वो विटामिन डी, वो भी जावेद अकरम साहब ने हमें एक लेक्चर दिया और इन्होंने कहा इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। और हमने फिजिकली, क्योंकि फैमिली फिजिशियन को जितना किसी ड्रग की एफिकेसी का पता चलता है, इतनी शायद किसी और स्पेशलिटी को पता चले, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ने सुबह शाम आना होता है। और मैं जस्ट एक एग्जाम्पल अपनी कोट करूँगा कि आज से 5 साल पहले डॉक्टर प्रोफेसर बिलाल हैं फैसलाबाद के, उन्होंने विटामिन डी पे लेक्चर दिया। पहला लेक्चर हमने फर्स्ट टाइम सुना तो सारे लोग पहले तो ये कह रहे थे अब क्या विटामिन डी का आपने लेक्चर रख लिया है, लेकिन जब उन्होंने लेक्चर सुना और उन्होंने कहा कि ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी वो वहाँ पे इसका इफेक्ट है, तो हमने जाके अब डिफरेंट पेशेंट्स के विटामिन डी लेवल कराए। आप अंदाजा करें 90% में विटामिन डी का लेवल कम था। और मैं जस्ट आपको लास्ट अपनी एक एग्जाम्पल दूंगा कि मुझे इंटरफेरेंटल जॉइंट्स मेरे स्वेलिंग होगी और मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। डॉक्टर निगत मीर, मैं सोचा कि इनके पास जाऊं कि मे बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस मॉर्निंग स्टिफनेस भी है, लेकिन मैंने अपना विटामिन डी लेवल कराया था वो जस्ट 5 था, तो मैंने रिप्लेसमेंट ली और विद इन 1 मंथ वो मेरी सारा कुछ ठीक हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मेरे कोलीग्स जूनियर और सीनियर, कि प्लीज अपने पेशेंट्स को पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी डिजीज में, डायबिटीज में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और इस तरह मस्कुलोस्केलेटल में सब में अगर आप यूज कराएं तो बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। थैंक यू सो मच सर।